दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कैसे चेक करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट और साथ ही साथ कट ऑफ दोनों साथ में एक साथ चेक कर सकते हैं। जी हाँ, यदि अगर आप इस वीडियो को मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से देख रहे हैं तो डोंट वरी, आसानी से रिजल्ट और कट ऑफ चेक करें। कट ऑफ थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कम गया है तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देर ना करते हुए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है, लिखना है टारगेट कोर्स, TARGET COURSE। टारगेट कोर्स लिखकर आपको सर्च कर देना है। टारगेट कोर्स लिखकर जैसे आप सर्च करिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। टारगेट कोर्स का ऊपर ऑफिशियल हिंदी में दिखने को मिलेगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा टारगेट कोर्स का, दोस्तों इसके ऊपर आने के बाद आपको एक अलाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे एक अलाउ का ऑप्शन आएगा, उस अलाउ के बटन पर दबा देना है। ठीक है, आपको अलाउ का बटन दिखने को मिलेगा, उस पर दबाकर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट का देखने को मिलेगा। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। रेलवे ग्रुप डी का ऑप्शन रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने नया पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देकर बता रखा है, लिख कर आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा। अब नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए रिजल्ट को कैसे चेक करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑल फेज का जो है रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर समझिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी कैटेगरी वाइज मिलान करिए। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट देखिए कैसे देखें यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर मैंने लिख कर ऑलरेडी रिजल्ट को कैसे चेक करना है, आपको लिंक पर क्लिक करने के बाद सारे स्टेप को कैसे फॉलो करना है यहाँ पर मैंने लिख कर बता रखा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिलेगा, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। ठीक है, RRB ग्रुप डी रिजल्ट, ये सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 ये लिंक है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको रिजल्ट को चेक करना है। कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसके नीचे RRB ग्रुप डी का कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है, कट ऑफ भी आप लोग उसी तरह देखेंगे जिस तरह रिजल्ट को चेक करेंगे। ठीक है, अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि रिजल्ट कैसे चेक करें, तो यहाँ पर मैंने सारे स्टेप को फॉलो कर रखा है, यानी कि 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख कर मैंने बता रखा है कि लिंक के बाद आपको कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि डालना है, फिर उसके बाद आपको सबमिट कैसे करना है, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रिंट आउट कैसे निकालना है, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स कैसे देखना है, सब कुछ यहाँ पर मैंने बता रखा है। आप यहाँ पर आकर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वीडियो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। रिजल्ट चेक करने के बाद अपना नाम, जी हाँ दोस्तों, ए फ्लाइट जॉन, उम्मीदवार की जन्मतिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर उम्मीदवार का, जी हाँ दोस्तों, सामान्यकृत स्कोर, यथानुपात स्कोर, कक्षा स्कोर, परीक्षा के समग्र और अनुभागीय, जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ, ये सब कुछ मिलान कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, जरूरी है मिलान करना। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।